1783 में भारत में एक लड़के का जन्म ऐसी विकलांगता के साथ हुआ जिसे असंभव माना जाता था। उसके दो सिर थे, दूसरा सिर उल्टा था और आश्चर्यजनक रूप से पूरी तरह काम कर रहा था। लड़के ने दावा किया कि वह दूसरे मस्तिष्क को बातें कहते हुए सुन सकता है। जब लड़का रोता था या मुस्कुराता था तो दूसरे सिर के चेहरे के संकेत मेल नहीं खाते थे। जब बच्चा सोता था तो दूसरा सिर जाग सकता था और उसकी आंखें ऐसे लगती थीं जैसे वह आसपास की चीजों का निगरानी कर रहा हो। 1787 में उनकी मृत्यु विकलांगता के कारण नहीं हुई थी, बल्कि बेतुके रूप से कोबरा के काटने से हुई थी।